नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय सेना ने किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए 180 टीमों और 9 इंजीनियर टास्क फोर्स को स्टैंड बाय पर रखा है, क्योंकि चक्रवात तौकता के गुजरात तट से टकराने की संभावना है। राज्य के बिजली विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान तौकता के कारण गोवा में बिजली की आपूर्ति बुधवार तक बहाल कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने मंगलवार को राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के उनके अनुभव के बारे में बैठक की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी वर्चुअल बैठक में शामिल हुए, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र वर्तमान कोविड-19 स्थिति में चिकित्सा ऑक्सीजन के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता है और राज्य में ही प्रतिदिन 3000 मेट्रिक टन महत्वपूर्ण गैस का उत्पादन करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 10 सप्ताह के बाद अब मुंबई में दैनिक कोरोना वायरस के आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जहां अप्रैल महीने से कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते लगातार केसेस बढ़ रहे थे, वही अब कोरोना का कहर कम होते नजर आ रहा है। मंगलवार को केवल 953 मामले दर्ज किए गए, जो मार्च के बाद से सबसे कम है। शहर में मंगलवार को एक दिन में 44 मौतें हुई। मुंबई में सकारात्मकता दर 5.31% थी, जो अप्रैल के आंकड़ों से कम है। इसकी रिकवरी रेट भी सुधर कर 93% हो गई है। अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।